Good morning students welcome to your EVS class today we are going to read chapter number 15 types of clothes before reading this chapter let us do warm up exercise look at these pictures of clothes write the season in which you would wear them take the help of the words given in the box यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं क्लोथ्स के और आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर क्लोथ आप किस सीज़न में वियर करते हो और आपको इस बॉक्स में से वर्ड चूज़ करके नीचे मेंशन करना है सो दिस इज रेनकोट रेनकोट हम कब पहनते हैं इन द रेनी सीजन दिस इज टी शर्ट टी शर्ट कब पहनते हैं समर सीजन दिस इज़ ब्लेजर और जैकेट ये हम कब पहनते हैं विंटर सीजन में दीज आर लॉन्ग बूट्स लॉन्ग बूट्स हम क्या पहनते हैं ये भी हम रेनी सीजन में वियर करते हैं दीज आर शॉर्ट्स शॉर्ट्स हम समर सीजन में वियर करते हैं एंड दिस इज पुलोवर और स्वेटर इसे हम कब पहनते हैं इन विंटर सीजन तो आप इसे भी यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू सीजन एंड क्लोथ्स आप यहाँ पर मैंशन करोगे ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट अल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर वी वीयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वीयर करते हैं वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन हमें क्लोथ्स की नीड होती है फॉर आर प्रोटेक्शन फ्राम डिफरेंट सीजन लाइक हीट कोल्ड एंड रेन सो वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन और इसीलिए हम सीजन के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स को वियर करते हैं क्लोथ्स एंड सीजन् मेड ऑफ कॉटन एंड लिनन इन समर हम क्लोथ्स कौन से पहनते हैं समर सीजन में जो कॉटन और लिनन से बनते हैं कॉटन क्लोथ इज मेड फ्रॉम द काटन वूल ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट में से जो कॉटन वूल निकलता है उससे कॉटन का क्लोथ बनता है लिनन इज़ मेड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट और जो लिनन है वो फ्लैक्स प्लांट में से हमें बनता है कॉटन एंड फ्लैक्स आर स्पन इंटू थ्रेड्स जो कॉटन और फ्लैक्स होते हैं इनको स्पन किया जाता है स्पिन किया जाता है किसमें थ्रेड्स में इनको थ्रेड बनाया जाता है एंड आफ्टर डैट उससे क्लोथ बनता है सी हियर डिड यू नो लिनन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैब्रिक्स यूज बाय ह्यूमंस जो लिनन है ये सबसे पुराना फैब्रिक है जो ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहा है सी हियर दिस इज़ अ हैंडलूम मशीन और इससे क्या हो रहा है वीव किया जा रहा है ये जो थ्रेड है इससे क्लॉथ बन रहा है इसको वीव करके क्लॉथ बनाया जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स पहले हैंड से वीव किया जाता था बट नाउ इलेक्ट्रिक हैंडलूम को यूज़ किया जाता है फॉर वीविंग थ्रेड्स इन टू क्लोथ ओके स्टूडेंट्स देन क्लोथ इज़ वोवन फ्रॉम दीज थ्रेड्स बाय हैंड ऑन हैंडलूम्स और उसके बाद जब ये थ्रेड बन जाता है तो क्लोथ को वीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड और लूम्स को यूज़ किया जाता है इट इज़ ऑल्सो मेड बाय मशीन्स इन मिल्स बट नाउ डेज अब ये जो क्लोथ है ये कैसे बनता है मिल्स में मशीन्स के थ्रू कॉटन एंड लिनन क्लोथ्स कीप अस कूल जो कॉटन और लिनन का क्लोथ होता है ये हमें कूल cool रखता है एंड डैट इज़ वाई हम इन्हें समर में वियर करते हैं वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर हम वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं इन वेरी कोल्ड प्लेसेस पीपल वियर क्लोथ्स मेड ऑफ फॉम जब कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे पीपल क्या पहनते हैं क्लोथ्स वैसे पहनते हैं जो कि फर से बने हो सो डैट वो वॉम फील करे वूल इज़ मेड फ्राम द फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट जो वूल है वो किससे बनता है शिप और गोट के फ्लीस से सिल्क इज़ मेड फ्राम द सिल्क कोकून ऑफ द सिल्क फॉर्म जो सिल्क थ्रेड होते हैं वो कहाँ से बनते हैं सिल्क वॉम के सिल्क कोकून से बनते हैं पीपल निट वुलन क्लोथ्स बाय हैंड जो वुलन क्लोथ्स होते हैं पीपल उनको निटिंग खुद करते हैं सी दिस इज़ वूल और इससे क्या बन रहा है वुलन क्लोथ बन रहा है वुलन एंड सिल्क क्लोथ कीपर्स वॉम जो वुलन और सिल्क के क्लोथ होते हैं वो हमें वॉम रखते हैं दे आर ऑल्सो मेड इन फैक्ट्रीज इवन जो ये वुलन क्लोथ्स होते हैं होम में तो हम लोग हैंडमेड बनाते हैं बट ये फैक्ट्रीज़ में भी बनते हैं इन द रेनी सीजन वी वियर रबर और प्लास्टिक कोट्स ओवर आर क्लोथ्स रेनी सीजन में हम रबर के या प्लास्टिक कोट्स पहनते हैं ओवर आर क्लोथ्स डीज कोट्स आर वाटर प्रूफ और ये जो कोट्स होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं वाटर डज नाट गेट थ्रू दीज वाटर प्रूफ क्लोथ्स नोन एज रेन कोट्स और हम रेन कोट इसलिए वियर करते हैं बिकॉज ये जिस मटीरियल से बना होता है उसके थ्रू क्लोथ्स के अंदर वाटर एंटर नहीं करता बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल दीज क्लोथ कीप अज ड्राई और जो ये रेनी सीजन में हम अपने क्लोथ्स के ऊपर अदर कोट्स या शूज़ पहनते हैं ये हमें ड्राई रखने में हेल्प करती है ओके स्टूडेंट्स लेट लेटेस्ट रीड डिड यू नो क्लोथिंग वेरीज विद जोग्राफी क्लाइमेट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल जो क्लोथिंग है वो डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट क्लाइमेट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही वियर किया जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स So, students, you have to read this chapter till this topic. Thank you and goodbye.